नौसेना एक के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइबर सुरक्षा का मुद्दा उठाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरे बढ़ रहे हैं और अब युद्ध का दायरा स्पेस और साइबर स्पेस तक पहुंच गया है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री ने कहा कि अब लड़ाई आमने सामने की नहीं बल्कि अदृश्य हो गई है। पीएम ने जोर दिया कि अब हमें अपनी रणनीति अतीत को देखते हुए नहीं बल्कि भविष्य को ध्यान में रखकर बनानी होगी। उन्होंने ये भी कहा कि आज की तारीख में इंफॉर्मेशन को भी हथियार बना दिया गया है और गलत जानकारियों से हमले किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे खतरे चाहे देश में हो या विदेश में, हम हर खतरे से निपटने के लिए तैयार हैं। चुनौती देने वाली ताकतों के विरुद्ध भी युद्ध तेज करना है। जैसे जैसे भारत ग्लोबल स्टेज पर पद को स्थापित कर रहा है, खुद को स्थापित कर रहा है, वैसे वैसे मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, अपप्रचार के माध्यम से लगातार हमले हो रहे हैं। इन्फॉर्मेशन को भी हथियार बना दिया गया है जी। खुद पर भरोसा रखते हुए भारत के हितों को हानि पहुंचाने वाली ताकतें, चाहे देश में हो या फिर विदेश में, उनकी हर कोशिश को नाकाम करना है। राष्ट्र रक्षा अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं है बल्कि बहुत व्यापक है। इसलिए हर नागरिक को इसके लिए जागरूक करना ही उतना ही आवश्यक है। राष्ट्रयाम जागरयाम वयम, ये उद्घोष हमारे यहां जन जन तक पहुंचे, ये भी आवश्यक है। तो प्रधानमंत्री ने साइबर सुरक्षा को लेकर, भविष्य में होने वाले खतरों को लेकर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कैसे साइबर सुरक्षा एक बहुत अहम मसला है, फिर चाहे वो देश में हो विदेश में भी। हालांकि इससे पहले भी साइबर सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं और ना केवल देश में बल्कि इंटरनेशनल फोरम पर भी इसको लेकर कई बार कई तरह की चेतावनियां भी दी गई हैं। और साथ ही अब ये ध्यान में रखना होगा कि जो अतीत में बीता वो चुनौती नहीं है, अब आने वाले भविष्य में जो चुनौती होगी वो होगा अदृश्य खतरा, यानी इसी से हमें निपटना होगा। गलत जानकारी यानी इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान कैसे देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है और इस पर हमें और संजीदगी से विचार करना होगा, ये प्रधानमंत्री ने जोर दिया।